नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स वाई जेड। तो दोस्तों, ऑटो टैक्सी किराए को लेके आज फिर मैं लेके आया हूं आपके पास एक नई अपडेट। जी हां दोस्तों, कई बार ये किराए का मुद्दा उठाया गया और इस पे धरना प्रदर्शन भी किया गया और सरकार ने भी बड़े जोर जोर से ये ऐलान कर दिया कि जल्द ही हम ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाएंगे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी दोस्तों बाद में कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ जो है ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को राहत नहीं मिली। लेकिन दिल्ली के ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई इस समय दिल्ली सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। इसी नाराज़गी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार जल्दी ही एक फैसला ले सकती है। वो फैसला ये है कि दिल्ली सरकार जल्द ही ऑटो टैक्सी का जो है किराया बढ़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक नई अपडेट आई है, वो आपको मैं आज देने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देख लेना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ। ये जो खबर है दोस्तों, मैं आपको जागरण न्यूज़ के माध्यम से देने जा रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, ये 20 सितंबर को ये इन्होंने खबर छापी है दोस्तों। बिल्कुल लेटेस्ट न्यू अपडेट है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली ऑटो टैक्सी फेयर, दिल्ली में सफ़र होगा महंगा, बढ़ने वाला है ऑटो और टैक्सी का किराया, नोट करें लिस्ट। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी किराया बढ़ाने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से जल्द फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद दिल्ली में ऑटो और टैक्सी से सफ़र करना महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, ऑटो टैक्सी के जरिए दिल्ली NCR में लोगों को सफ़र महंगा होने जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑटो टैक्सी रिक्शा टैक्सी किराया जल्दी ही केजरीवाल सरकार बढ़ाने का फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों के दौरान इसका ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों कुछ ही मान लीजिए, आज 23-24 तारीख हो गई है, तो दोस्तों हो सकता है कि इस महीने के एंड तक भी हो सकता है या फिर अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में किराया बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। दोस्तों दिल्ली में ऑटो टैक्सी किराया बढ़ाने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से जल्द फैसला हो सकता है। ताज़ा मामले में 2 महीने पहले इस मामले में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंप चुकी है। इस रिपोर्ट में ऑटो टैक्सी का किराया जो है बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ऑटो टैक्सी वाले किराया जल्द बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। दिल्ली ऑटो टैक्सी चालक संघ किराया बढ़ाने पर अब तक फैसला नहीं करने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार से नाराज बताया जा रहा है। दिल्ली के जो ऑटो टैक्सी यूनियन जो हैं, जो किराए बढ़ाने के पक्ष में हैं, वो और चालक जितने भी हैं वो दिल्ली सरकार से नाराज हैं। इस बाबत दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी परिचालन से जुड़ी समस्याओं को लेकर ऑटो टैक्सी यूनियन दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पदाधिकारी से उनसे मुलाकात भी की सभी चालकों ने और यूनियनों ने। और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त के मुताबिक दिल्ली में किराया बढ़ाने से जुड़ी फाइल कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो है मीटिंग हुई है यूनियन लीडरों की, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों की, और उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है। इसके बाद ये जो फाइल है वो कैबिनेट से मंजूरी लेने के लिए भेज दी गई है, जिसकी स्वीकृति जल्द होने की उम्मीद है। यानी कि कैबिनेट से ये फाइल जल्दी से पास हो जाएगी, इसके बाद ऑटो किराया बढ़ाने का ऐलान हो जाएगा। तो किराया आपको पता ही है, अभी जो हमें 1 किलोमीटर पर 9.5 रुपये किलोमीटर मिल रहे हैं दोस्तों, वो 11 रुपये हो जाएंगे, और जो हमारा मीटर अभी 25 रुपये से डाउन होता है वो 30 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से जो टैक्सी है, उस टैक्सी का किराया जो है 15 रुपये मीटर डाउन पर बढ़ जाएंगे और 3 से 4 रुपये हर किलोमीटर पर बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी ऑटो टैक्सी किराए को लेकर। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।